नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। आज हम डेरा सच्चा सौदा के आश्रम पहुंचे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा खूनदान का कैंप लगा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग खूनदान कर रहे हैं। हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या अनुभव है खूनदान करके आए हैं अभी। सर आपका नाम? कुलदीप सिंह जी। कहाँ से आए हो सर आप? पंजाब से, मुक्तसर जिले से आए हैं। सर मुक्तसर से आप इतनी दूर यहाँ किस लिए आए हैं? हमारे को जी कराई, गुरु जी का जन्म भी ना चल रहा है, ब्लड देने का। हमारा 3 महीने बाद ब्लड दे देते हैं, 3 महीना हो गया सी ये इधर ब्लड देने आए हैं। ओके सर, क्या आपको डर नहीं लगता खूनदान करते समय? सर हम आपको कोई डर नहीं लगाई। कितनी उम्र है आपकी? 34 साल सर। 34। कितनी बार आप खूनदान कर चुके हो? आज 75वीं बार खूनदान है ये। 75वीं बार, ये देख लो 34 साल की उम्र है इस नौजवान की, और ये 75वीं बार आज इन्होंने खूनदान किया है। वाकई में बहुत ही जज्बा है, काबिले तारीफ है इनके लिए कि 75वीं बार ये खूनदान किया है। आपको किस तरह का महसूस करते हो खूनदान करने के बाद? हमारे गुरुजी ने कहा है जो किसी को खूनदान करना, जीवन दान देना, इसलिए हमें अच्छा लगता है सेवा करना ही। जैसे डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान। क्या आप आने वाले समय में भी खूनदान करते रहोगे? हाँ जी, 100 बार जरूर करेंगे पूरा। ये 100 सेंचुरी मारनी है जी ब्लड डोनेट की। लोगों के अंदर बहुत ये विचार है कि लोग खूनदान करने से डरते हैं, खूनदान नहीं करते, खूनदान से कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमें कोई कमजोरी नहीं आई जी। हमें सतगुरु ने वचन किया है भी आपका ब्लड जब डोनेट करोगे 24 घंटे में पूरा हो जाएगा जी। वो प्रसाद लंगर देते हैं यहाँ जी, उससे हमें तंदुरुस्ती मिलती है जी। हम ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।